इस वक्त मैं मौजूद हूँ 11 के वी रूम के अंदर। जैसा कि आपको मेरे पीछे पैनल का अंबार नज़र आ रहा होगा, हर एक पैनल एक मखसूस इलाके को रिप्रेजेंट करता है और जिसको एक मखसूस फीडर का नाम दिया जाता है। सपोज़ अगर किसी लाइन पे कोई फॉल्ट है तो सबसे पहले परमिट इशू किया जाता है। परमिट इशू करने के बाद यहाँ से लाइट को ऑफ किया जाता है और ट्राली रैकआउट कर दी जाती है और उसके बाद उसको लॉक कर दिया जाता है ताकि उस पर काम किया जा सके।